एटलीस्ट से किस तरीके से लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर आ गए हैं, क्योंकि डर का माहौल है और ऐसे में अब भी वो घर वापस जाना नहीं चाहते। हुई थी एकदम बेड ऐसे ऐसे तेज से हिलने लगा, मैं एकदम सिस्टर बराबर में सो रही थी, उसके मेरे पैर हिला जोर जोर से कि बहन वो भूकंप आ रहा है लगता है। बस फिर हम एकदम से बालकनी में निकल आए, इधर पूजा इधर सारे एकदम शोर हो गया, चारों तरफ से शोर हो रहा था, फिर हम बालकनी में खड़े हुए। हाँ, 5-10 मिनट तक बात करेंगे। लोगों को आप सुन रहे हैं किस तरीके से डर का माहौल तो उनके अंदर है ही, किसी के घर का बेड हिला तो किसी के घर की लाइटों के जरिए, झूमर के जरिए उनको मालूम पड़ा कि यहाँ पर भूकंप, इस वक्त भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोग अपने घर की सीढ़ियों से निकलकर बाहर आ रहे हैं ताकि वो खुद को महफूज रख सके। झटके बहुत ज्यादा तेज थे, बहुत ज्यादा उनकी तीव्रता थी। मोनिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। मोनिका, आपके साथ क्या लोग वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि जो तीव्रता थी भूकंप की काफी ज्यादा तेज थी, लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल शिवानी, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मैं मयूर विहार फेज वन में हूं और जैसे ही भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हमारी सोसाइटी से भी तमाम लोग जो है वो नीचे आ गए। अभी गेट वाले भैया मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जान लेते हैं जब भूकंप आया और भूकंप के झटके इन्होंने महसूस किए तो क्या हुआ। भैया जब भूकंप आया तो कहाँ बैठे हुए? अच्छा, सारे पेड़ पौधे हिल रहे हैं। आप कुर्सी पे बैठे हुए थे? आपने देखा फिर सोसाइटी के लोग सभी आगे नीचे अच्छा। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इस वक्त काठमांडू से रिपोर्टर पंकज दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, और क्या जानकारी मिल रही है, क्या वहां पर किसी तरीके का कोई नुकसान भी हुआ है, क्योंकि मेन एपिसेंटर ही काठमांडू था? आज बिल्कुल देखिए, नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं मिल पाई है क्योंकि अभी काफी देर हो चुकी है और जो भूकंप का केंद्र बिंदु बताया गया है वो काठमांडू से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर जाजरकोट जिला है, वहां का एक पैक गांव है जहां ये भूकंप का केंद्र बिंदु बताया गया है। तो कल सुबह तक ही इस भूकंप से हुए नुकसान के बारे में कुछ भी पता चल पाएगा या देर रात तक धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे नुकसान के बारे में पता चलता जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से भूकंप के झटके काठमांडू में भी इतनी तेज हुई कि लोग अपने घरों से बाहर निकल के आ गए। यहाँ मैं जिस अपार्टमेंट पर तो वहां भी लोग बाहर में सब लोग बाहर निकल के आ गए थे काफी, क्योंकि लगातार एक मिनट के भीतर दो बड़े झटके भूकंप के महसूस किए गए यहाँ पे। जी पंकज, और ये झटके इतने ज्यादा तेज थे कि यहाँ भारत में भी इसके जो झटके हैं वो हमने कंपन काफी ज्यादा महसूस की। लेकिन साथ साथ पंकज देखिए, लोग वहां पर उनका रिएक्शन क्या है, क्या लोग अब भी घरों से बाहर हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो देखिए लोग घरों को छोड़कर बाहर नीचे उतर आए हैं, सड़कों पर वो इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा ऐसे झटके ना महसूस हो। वहां पर क्या हालात है? जी बिल्कुल, कई बहुत समय तक लोग घरों से बाहर थे लेकिन चूंकि ठंड बहुत ही ज्यादा है यहाँ काठमांडू में इसलिए दोबारा लोग घरों के भीतर चले गए हैं। लेकिन एहतियात के तौर पर लोग जो ऊपरी मंजिल में रहते हैं उनके लिए काफी मुश्किल होता है वो दौड़ के लिफ्ट से नीचे तक आना, तो वो एहतियात बढ़ते हुए हैं और भीतर जो है ठंड की वजह से वो भीतर में काफी देर तक वो लोग बाहर में ही सभी लोग खुले आसमान के नीचे थे। जी, तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पंकज दास इस वक्त काठमांडू से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज, क्योंकि कंपन बहुत ज्यादा थी, रिक्टर स्केल पर तीव्रता बहुत ज्यादा थी, तो क्या काठमांडू के अलावा भी और इलाके हैं नेपाल में जहां पर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए? जी बिल्कुल, जब ये काठमांडू से 500 किलोमीटर की दूरी पर ये भूकंप का केंद्र बिंदु बताया गया है तो निश्चित रूप से जो है आधा नेपाल को तो बिल्कुल ही इस झटके का एहसास जरूर हुआ होगा क्योंकि ये जो सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जो तस्वीर जारी की गई उसमें साफ पता चलता है कि आधे से ज़्यादा नेपाल में इस भूकंप के झटके महसूस किए गए होंगे और नेपाल केंद्र बिंदु होने के बावजूद आप लोगों ने दिल्ली तक में इस झटके को महसूस किया तो निश्चित रूप से आधे से ज़्यादा नेपाल में लोगों ने जरूर महसूस किया होगा इस झटके को। जी बिल्कुल, और ये बेहद खतरनाक था, बहुत ज्यादा डराने वाला था और अब भी जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो हिला देने वाली हैं क्योंकि लोग लगातार अपने घरों से अब भी बाहर हैं क्योंकि कंपन जो था काफी तेज था और काफी देर तक उसको महसूस किया गया। न्यूज 18 के न्यूज रूम की तस्वीर भी हमने लगातार आपको दिखाई कि किस तरीके से वहां पर भी जो एम्प्लॉयज थे वो अचानक से भागने लगे थे जब लाइट्स अचानक से हिलने लगी। तो देखिए, यहाँ काठमांडू से पंकज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, और क्या जानकारी फिलहाल इस भूकंप को लेकर सामने आ रही है, क्या उसके बाद भी कुछ भूकंप के झटके महसूस किए गए?
नहीं, ये जो 11:48 और 11:49 पर दो भूकंप के जो झटके महसूस किए गए, उसके बाद से अभी तीसरी बार इस तरह का कोई झटका महसूस नहीं किया गया है। और इसके जो नुकसान है उसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया कि रात काफ़ी हो चुकी है। हालांकि पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो भूकंप के झटके, ये दुर्गम इलाका है जाजरकोट का जो इलाका है जहाँ ये भूकंप आया है, वहाँ की आबादी करीब 3,500 के आसपास बताई जाती है। तो भूकंप के झटके का जो केंद्र बिंदु है वहां से अभी कुछ देर में ही मालूम चल पाएगा, क्योंकि वो दुर्गम इलाका है, वहां से कम्युनिकेशन करना भी काफी दिक्कत होता है यहां के प्रशासन को। जी, वहां का जो सीस्मोलॉजी विभाग है, हालांकि अर्थक्वेक का या भूकंप का अंदाजा लगाना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन उसकी ओर से क्या कोई अलर्ट अभी जारी किया गया है? नहीं, लोगों को एहतियात बरतने का लगातार सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से नेपाल में होता रहता है, चूंकि नेपाल में आए दिन भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, किसी न किसी यहाँ पे जिला में भूकंप का केंद्र बिंदु जो है अधिकतर नेपाल ही इन दिनों रहा है। तो लोग खुद भी सतर्क रहते हैं यहाँ पे, और डिपार्टमेंट की तरफ से भी लोगों को एहतियात बरतने का ये देता है, चूंकि नेपाल में कोई भी इस तरह का बड़ा भूकंप के झटके जब आते हैं तो उसके बाद आफ्टर शॉक लगातार कई दिनों तक आते रहते हैं। जो पिछली बार बझांग जिले में आया था वहां भी करीब एक हफ्ते तक आफ्टर शॉक जो है भूकंप का जो पराकंप है उसके झटके लोगों को महसूस होते रहे। तो आज भी जो है ये 6.4 ये बहुत बड़ा भूकंप का झटका है, तो निश्चित रूप से जो है वो आफ्टर शॉक आएगा ही आएगा, ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है। और लोग भी इस चीज से, चूंकि नेपाल में 2015 के बाद से, जो 2015 में बड़ा भूकंप का झटका था उसके बाद से लोग लगातार इस बात को अब अभ्यस्त हो चुके है कि इस तरह के भूकंप के झटके आते रहते। और जाजरकोट का वो इलाका था काठमांडू का जहां पर मेन एपिसेंटर बताया जा रहा है, जहां से भूकंप के झटके महसूस किए गए। अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मोनिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मोनिका इस वक्त मयूर विहार फेज वन में है। मोनिका, क्या लोग आपके आसपास हैं, क्या उन्होंने भी भूकंप के झटके महसूस किए, क्या वो भी नीचे उस वक्त आए? बिल्कुल शिवानी, जैसे ही भूकंप के तेज झटके महसूस हुए, पहले तो लोगों को लगा कि आखिर क्या हो रहा है, वो घबरा गए, डर गए, तो वो सीधे बिल्डिंग से नीचे आ गए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब वो गए ऊपर, तो एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए, जिसके बाद दौड़ते दौड़ते लोग नीचे आ गए। अब भी कुछ लोग यहीं पर ठहर रहे थे, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऑन एयर कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो घबराए जरूर थे, डरे जरूर थे, क्योंकि दिल्ली बार बार इस तरीके से महसूस कर रही है भूकंप के झटके, और ऐसे में लोग थोड़े से घबराए जरूर है। गेट वाले भैया से मैंने आपकी बातचीत करवाई है, इन्होंने भी भूकंप के झटके महसूस किए, ये अपनी कुर्सी पे यहाँ पर बैठे थे, लेकिन अचानक जैसे ही ड्यूटी कर रहे थे उनकी कुर्सी भी अचानक से हिल गई, खाना भी खा रहे थे थोड़ी देर पहले, और जैसे ही उन्हें कंपन महसूस हुई वो भी घबरा गए, डर गए, क्योंकि मेरे पीछे यहाँ पर सड़क भी है, कुछ गाड़ियां थी, जैसे ही भूकंप के तेज झटके महसूस हुए तो गाड़ियों की आवाजाही भी यहाँ पर बंद हो गई थी, पीछे मेट्रो है, मेट्रो भी अचानक रुक गई थी, क्योंकि काफी तेज झटके जो है वो यहाँ के लोगों ने महसूस किए।